हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की फेवरेट रेसिपी मिसल पाव। मिसल पाव महाराष्ट्र के अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से बनता है। कोल्हापुर साइड में वो बहुत तीखा रहता है, मुंबई, पुणे और नासिक में उसे मीडियम स्पाइसी बनाते हैं। कोल्हापुर साइड में उसे ब्रेड के साथ खाया जाता है, तो बाकी मुंबई, पुणे और नासिक में उसे पाव के साथ खाया जाता है। मुझे पर्सनली भी पाव के साथ ही खाना अच्छा लगता है। तो आइए बनाते हैं मिसल पाव। मिसल पाव बनाने के लिए हमें चाहिए ये 250 ग्राम हमने स्प्राउटेड मटकी ली है, 2 हमने बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ टोमेटो है, कुछ धनिया पत्ते हमने ली है, 8-10 लहसुन की कलियां है, 1.5 इंच का अदरक का पीस है, 1 हमने हरी मिर्च ली है, 1/2 कटोरी हमने ड्राई कोकोनट लिया है ग्रेट करके, 10-12 हमने करी लीव्स लिए हैं। मसाले में हमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 2 टीस्पून गरम मसाला, ये महाराष्ट्रीय काला मसाला है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एवरेस्ट का गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हो। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 1 टेबलस्पून नमक है। ऑयल हमें लगेगा मिसल बनाने के लिए, तो आइए मिसल बनाना शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड, गैस की फ्लेम हमने ऑन करके उसके ऊपर ये 2 बड़े साइज़ के प्याज भूनने के लिए रखने हैं। इसे हमने गैस के ऊपर ही ड्राई रोस्ट करना है। प्याज को हमने बाजू के गैस के ऊपर रखा है रोस्ट होने के लिए। अभी हमने ये कढ़ाई रख ली है, इसमें हम ये जो ग्रेटेड कोकोनट हमने लिया है इसे ड्राई ही रोस्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने 3-4 मिनट के लिए अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है। अभी इसमें ही हम ये छोटे 2-3 चम्मच ऑयल डालेंगे। जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में ही ये जो टोमेटो हमने लिए हैं ये भी इसमें और कुछ हम धनिया पत्ती भी इसमें। धनिया पत्ती को हम इस मसाले में डालते हैं तो उससे उसका टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आता है। इसे हमने 3-4 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेंगे। एकदम ज़्यादा पकाना नहीं है हमें टोमेटो को वगैरह, सिर्फ हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अभी इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसे अच्छी तरह से हमने 7-8 मिनट के लिए रोस्ट करके लिया है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेते हैं और इसका थोड़ा ऊपर का जो छिलका है वो निकाल के हम इसके भी पीसेस करके मसाले में ऐड कर देते हैं। कढ़ाई में जो हमने बाकी के मसाले रोस्ट किए थे वो सब हमने मिक्सी में डाल दिए हैं बारीक करने के लिए, वो ठंडे हो चुके अभी। और इसमें ये जो 2 प्याज हमने रोस्ट करके लिए है उसका जो ब्लैक वाला एकदम पोर्शन था बाहर का वो निकाल के उसको भी इसमें ऐड कर देंगे और अभी हम इसे मिक्सी में बारीक करके ले लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मसाले को हमने बहुत अच्छे से बारीक करके लिया है, तो ये हमारे पेस्ट अभी बन के तैयार हो चुकी है। ऑयल को हमने गर्म करने के लिए रखा है, इसमें हम ये 1/8 टीस्पून हींग डाल लेते हैं और थोड़ी सी हमने करी लीव लिए हैं। अभी जो मसाला हमने मिक्सी में बारीक करके लिया है ये इसमें ऐड करेंगे। मसाले को हमें अच्छे से भूनना है और ऑयल भी इसमें हमें ज़्यादा यूज़ करना है। ये हमने 4 टेबलस्पून ऑयल इसमें डाला था। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले में ऑयल छोड़ना शुरू किया है। इसे हमने बहुत अच्छे से भून लिया है 7-8 मिनट के लिए। अभी उसमें हम धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, महाराष्ट्रीयन गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक ऐड कर लेते हैं। और इसके साथ ही हम थोड़ा सा जो ये मिक्सी के जार में हमने थोड़ा पानी डाल लिया है ये इसमें ऐड करते हैं।
वापिस से इसे हम 3-4 मिनट के लिए अच्छे से ऑयल ऊपर आने तक भूनेंगे। पाउडर मसाले डालने के बाद इसे हमने 3-4 मिनट के लिए अच्छे से ढक के पका लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी इससे भी ऑयल ऊपर आना शुरू हुआ है। तो अभी हम इसमें जितना हमें जिस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए उतना पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये मैं इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करती हूँ। मिसल का जो रसा रहता है वो पतला ही रहता है। इसे एक उबाल आने के बाद इसमें हम ये जो स्प्राउटेड हमने मटकी ली है वो ऐड करेंगे। बहुत सारे लोग इसे अलग से भी बॉईल करके लेते हैं मटकी को, पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसमें ही इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे करी को बहुत अच्छा उबाल आ चुका है। तो अभी हम इसमें गैस का फ्लेम कम करके ये जो हमने स्प्राउटेड मटकी लिया है ये ऐड कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करके हम ढक्कन रखे अभी इसे हम पकाएंगे। 5-7 मिनट पहले हम पका लेते हैं, फिर चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं इसे रखते हुए। हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो मटकी इसमें डाली है वो बॉईल हुई कि नहीं। इसे एकदम गलाना नहीं है हमें। और ये देखिए एकदम जल्दी से पक जाती है, तो भी हम और 1-2 मिनट ऐसे रखते हैं। अभी इसके ऊपर हम ढककर नहीं रखेंगे, ऐसे ही रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऊपर मसाला और ऑयल का लेयर आता है इसे महाराष्ट्र में तरी बोला जाता है। ये जो स्पाइसी खाना पसंद करते हैं वो ऊपर से ऐसे मिसल के ऊपर डाल के खाना पसंद करते हैं। मैं इसे थोड़ा सा निकाल के लेती हूँ। अगर आप स्पाइसी खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे अवॉइड कीजिए, और अगर आपको पसंद स्पाइसी खाना तो आप इसे ऊपर से डाल के खाइए। ये मैंने थोड़ा निकाल लिया है, अभी हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये हमारी मिसल अभी पूरी तरह से बन चुकी है। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ और इसे बाउल में निकाल लेती हूँ। ये हमने मिसल को सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। इसके ऊपर हम ये थोड़ा सा फरसान डालेंगे। आप आपके चॉइस के अनुसार जितना आपको पसंद है आप डालिए। सेव भी डाल सकते हैं, भावनगरी वगैरह भी डाल सकते हैं। ये प्याज है बारीक कट करके हमने लिया, और इसके ऊपर ये धनिया पत्ते हम डाले। इसको नींबू के साथ और लस्सी के साथ में सर्व किया जाता है। ट्रेडिशनली इसे लस्सी या छाछ के साथ ही सर्व किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ी स्पाइसी डिश होती है, इसलिए उसे इस लस्सी और छाछ के साथ सर्व करते हैं। ये जो तरी हमने निकल के ली थी ये ऊपर से हम इसके ऊपर ऐसे सर्व करेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये हमारी मिसल पाव की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।